हेलो एवरीवन, दिस इज विजेता. वंस अगेन आई वेलकम यू पीपल ऑन माय चैनल विजेता एडिटर. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ. ये वीडियो वोकैबुलरीज पर है. अगेन, ये वीडियो वोकैबुलरीज का पार्ट 15 है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हर बार आप लोगों के लिए 10 नए शब्द लेकर आती हूँ. इनके मीनिंग्स मैं आपको हिंदी में बताती हूँ और कैसे आप इन्हें अपने सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, इसका उदाहरण देकर भी आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ. तो आज हम लोग जिन शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं, वो शब्द हैं फ्रैगमेंट, टायरलेस, स्ट्राइव, ड्रियरी, फॉर्चून, कंपेनियन, ओगर, सॉर्सरर, हर्मिट, स्ट्रिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट विद अ वीडियो. पहला वर्ड है फ्रेगमेंट. फ्रेगमेंट मीन्स टुकड़ा, अंश या खंड. फॉर एग्जाम्पल, आई हर्ड ओनली अ फ्रेगमेंट ऑफ देयर कॉन्वर्सेशन. यानी मैंने उनकी बातचीत का केवल एक अंश सुना, या एक टुकड़ा सुना, या एक खंड सुना. कन्वर्सेशन यानी बातचीत. तो यहाँ हम लोगों ने दो शब्द सीख लिए. पहला वर्ड है फ्रेगमेंट, मतलब अंश, टुकड़ा या खंड. कन्वर्सेशन यानी बातचीत. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज टायरलेस. टायरलेस मीन्स अथक, ना थकने वाला. फॉर एग्जाम्पल, वी सल्यूट यू फॉर योर टायरलेस ऑफ एफर्ट्स फॉर पीस. यानी आपके अथक प्रयासों के लिए हम आपको सलाम करते हैं. नेक्स्ट वर्ड स्ट्राइव. स्ट्राइव मीन्स प्रयास करना, कोशिश करना, ट्राई करना. फॉर एग्जाम्पल, वी विल हैव टू स्ट्राइव फॉर वॉट वी वॉन्ट. यानी हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें प्रयास करना होगा. अगर हम लोग कोशिश ही नहीं करेंगे, ट्राई ही नहीं करेंगे, प्रयास ही नहीं करेंगे, तो जो चीज चाहिए हमें, क्या वो हमें मिलेगी? नहीं ना. यहाँ एक और सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, वी शुड स्ट्राइव टू स्पीक इन इंग्लिश. यानी हमें इंग्लिश में बात करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, ड्रियरी. ड्रियरी यानी उदास. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड स्पेंट अनदर ड्रियरी डे इन द ऑफिस. यानी उसने कार्यालय में एक और उदास दिन बिताया था. पुअर शी ना. नेक्स्ट वर्ड फॉर्चून. फॉर्चून यानी भाग्य. इसे हम लोग फेट भी कहते हैं, किस्मत भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एवरी मैन इज अ मास्टर ऑफ हिज ओन फॉर्चून. यानी हर व्यक्ति अपने भाग्य का मालिक है. हर व्यक्ति अपने भाग्य का मास्टर है. नेक्स्ट वर्ड कंपेनियन. कंपेनियन मीन्स साथी. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग इज अ फेथफुल कंपेनियन. यानी कुत्ता एक वफादार साथी होता है. रियली इस पे तो सभी अग्री करेंगे कि कुत्ते से ज्यादा वफादार इस पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होता. नेक्स्ट वर्ड ओगर. ओगर मीन्स आदमखोर या राक्षस. फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर साउंडेड लाइक अ रियल ओगर. यानी उसके पिता एक असली राक्षस की तरह लग रहे थे, लाइक अ मॉन्स्टर. नेक्स्ट वर्ड सॉर्सरर. सॉर्सरर मीन्स जादूगर. फॉर एग्जाम्पल, सॉर्सरर एनचांटेड द ब्यूटिफुल प्रिंसेस. यानी जादूगर ने सुंदर राजकुमारी को मंत्रमुग्ध कर दिया, यानी मोहित कर दिया. यहाँ फिर से हम लोगों ने दो वर्ड सीखे. पहला वर्ड सॉर्सरर यानी जादूगर, दूसरा वर्ड एनचांट यानी मंत्रमुग्ध करना, यानी मोहित करना. नेक्स्ट वर्ड हर्मिट.
हर्मिट मीन्स साधु सन्यासी. फॉर एग्जाम्पल द हर्मिट फॉलोड एन एसेटिक लाइफ, यानी साधु ने एक तपस्वी जीवन का पालन किया. यहां भी हम लोगों ने दो वर्ड सीखे, पहला हर्मिट यानी साधु या सन्यासी, और एसेटिक, एसेटिक यानी तपस्वी. आर नेक्स्ट वर्ड इज स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स यानी धागे. इसको अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रिंग कहें तो ये धागा हो जाएगा, बिकॉज इट इज स्ट्रिंग्स यानी धागे, इट इज प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल द नेकलेस कंसिस्ट ऑफ थ्री स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, यानी हार मोतियों के तीन धागे से बना है, या हार में मोतियों के तीन धागे हैं. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा. आप लोगों ने 10 से ज्यादा ही नए शब्द सीखे होंगे, और कैसे इसे अपने सेंटेंसेस में यूज करके अपने इंग्लिश स्पीकिंग को आप और इफेक्टिव बना सकते हैं, इसका आइडिया आप लोगों को जरूर से जरूर मिला होगा. इफ इट इज सो, प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज. थैंक यू एंड कीप वॉचिंग.